अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में क्या क्या करती हूँ, आज का दिन कैसे गुजरता है, सो आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहें। आज मैं सारा दिन इतनी सुबह से बिजी हूँ। मैंने कपड़े वाश किए, सफाई की सारे घर की, और अभी आगे आगे मस्जिद क्या होता है। आप लोग मेरे साथ व्लॉग में जुड़े रहें और देखें। फ्रेंड्स, आज मैं सुपर कंफ्यूज हूँ क्योंकि कल से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, और इस एग्ज़ाम भी सारा दिन मुझे वहाँ आना है सुबह से शाम तक, क्योंकि मेरा दूसरा तीसरा सेमेस्टर लास्ट में हो रही है। और उन्होंने मुझे पहले भी बताया था सर वालों ने, और अब मुझे जब से पता चला है सुपर कंफ्यूज हो गई हूँ। और अभी मुझे इतने सारे काम हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे मतलब कि फ्रेंड्स अब मुझे इतने सारे काम है, इतने सारे काम है, मैं इतना लेजी फील कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कोई भी काम करने को, क्योंकि यार अभी ना डेफिनेटली कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी होगी, और कुछ चीज़ें मेरी पढ़ी हैं, कुछ मुझे ढूंढनी होगी। और मैं समझ रही थी मेरा एक सेमेस्टर है, और जब मेरी सिर्फ आई है तो दो दो एक साथ आ गई है। मेरा भाई लेके आ गया था, और जबकि मैंने सर को बोला था मैसेज करके कि सर हम कल आएंगे लेने, तो सर ने बोला भी था ठीक है कोई बात नहीं है, तो फिर घर वालों ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे पेपर है और सारा दिन मैं वहाँ पर होंगी, और मेरे मतलब कि दो दो एग्ज़ाम मुझे एक साथ देने पड़ेंगे। सो फ्रेंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, काम बहुत ज़्यादा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बस मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ क्या होना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो आप लोग बस दुआ करें कल को मेरे एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, और मुझे दुआओं की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस व्लॉग आगे कंटिन्यू होगा, सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, और मैं ट्राई करूँगी अगर कल को मैं व्लॉग बना सकी तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो भी दिखाऊंगी, जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ पे मैं एग्ज़ाम दूंगी, वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, किससे दिन गुजरेगा, क्योंकि शायद फैमिली छोड़ कर मुझे वापस आ जाए, या फिर क्या होता है क्या नहीं, वो आप लोगों को मैं कल ही बताऊँगी। आज बस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और क्या क्या होना है क्या क्या नहीं, सो उसी पर फोकस करें तो बेटर होगा। फ्रेंड ये मेरे पीछे देखें, हर तरफ सरसों ही सरसों, और अभी ना वो कोहिड हो रही है, सो आज अब माशाल्लाह ज़मीनें कितनी प्यारी लगती है, ग्रीनरी ग्रीनरी। कुछ टाइम ऐसे होता है यहाँ पे पानी नहीं होता, फसलें नहीं होती, तो ये जब टाइम होता है तो फसल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होती है, और अब ज़मीनों में ग्रीनरी ग्रीनरी चेक करें, माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। बादल देखें, और आज बारिश का इम्कान बताया, अल्लाह पाक रहम करेगा। आप लोग भी दुआ करना ताकि बारिश तो ना हो, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं, पता सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सो आप लोग देखें माशाल्लाह। फ्रेंड्स तो मैंने आप लोगों को बताया था मुझे थे आज बहुत सारे काम, और लाइट नहीं आई, मैंने लाइट का बहुत ज़्यादा वेट किया, लाइट ना आई फिर भी मैंने काम कर लिए। और आज करने हैं मुझे कुछ PR अनबॉक्स, और वो हमने ऑनलाइन बुलवाए थे, सो आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहें और देखें हमने क्या क्या बुलवाए। फ्रेंड्स सो अभी मैं ये PR अनबॉक्स करने वाली हूँ, और सबसे पहले जो मैंने ये ओपन कर लिया है, देखा नहीं है मैंने, आप लोगों के साथ देख रही हूँ। तो हमने ये कलर बुलवाए हैं, वाटर कलर, आप लोग जैसे देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने प्यारे हैं। और अब हम दूसरा PR अनबॉक्स करेंगे, और वो देखते हैं क्या है। तो दूसरा हमने ये वाला ओपन किया है, और इसमें हम देखें कि इसमें क्या है। इसमें है ये बेस पफ, माशाल्लाह ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हम तीसरा PR अनबॉक्स करने वाले हैं, अब इसमें देखेंगे क्या चीज है। और इसमें इधर से गई, और ये चीज जो है ये भी कोई हाथों के लिए, फेस के लिए, पांव की एड़ियों के लिए। फ्रेंड्स ये चीज़ जो है ये पाँव की एड़ियों पे पहनते हैं ना, तो पाँव की एड़ियाँ जो है वो फटती नहीं है, और ये इसलिए हैं पाँव की एड़ियाँ। ये पहले भी हमने बुलवाई में पहनी भी हुई है, और इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है।
और अभी ये वाला पार्सल जो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, और इसमें देखते हैं क्या है। सही से नहीं हुआ, और इसको हम ओपन करेंगे। देखे मैंने पहले नहीं देखे, मैं आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ। एक तो ये इतने मुश्किल से ओपन होते हैं। ये इसमें ये भी कोई किचन की चीज। तो फ्रेंड्स, ये जो कीमा हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसके थ्रू हम तेल नहीं डालते हैं या पेट्रोल वगैरह, ये जो चीज़ें बोतल में रख के फिर उसमें भरते हैं। और अभी एक ये पीआर में हमने अनबॉक्स किया है, और ये हैं मार्कर कलर, और ये इससे बोर्ड पे लिखते हैं और इससे मिटाते हैं, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ये चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं और काफ़ी माशाल्लाह से बेहतर है। और अब ये हमने कॉलेज बैग बुलवाया है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है। ओ माशाल्लाह, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके साथ ये पाउच भी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के पीआर। आप लोगों को आज के हमारे पीआर कैसे लगे? अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और मुझे बताना कि मैं पीआर अनबॉक्स करती रहूँ कि नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पीआर अनबॉक्स करना। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफिज़।